नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपका मोहित टेक्निकल साइट पर। आज हम यूजीसी के बारे में बात करेंगे। जो यूजीसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो केस चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो सुनवाई हुई थी, जो यूजीसी ने जो स्टूडेंट्स के लिए कहा और यूनिवर्सिटीज के लिए कहा, उसके बारे में बात, क्या क्या बातें हुई उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दे, ताकि चैनल पर आने वाली सारी वीडियोज आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पर आपको फैक्ट अपडेट्स, टेक्निकल अपडेट्स और एजुकेशन अपडेट्स की सारी जानकारी दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि यूजीसी के खिलाफ कई केस दायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तारीख पे तारीख आ रही हैं, उसमें 11 तारीख को भी यूजीसी ने अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने कही। सुप्रीम कोर्ट बार बार मौका दे रहा है यूजीसी को, और जिन लोगों ने भी पिटीशन डाली है, फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी कि वो अपना साइड को प्रूफ करें। तो यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जो स्टेट्स ने एग्जाम कैंसिल किए हैं कि वो एग्जाम जो है कैंसिल नहीं किए जा सकते, स्टेट्स के ऊपर हम नहीं चल सकते, जो फाइनल ईयर के एग्जाम से वो होकर रहेंगे। आगे यूजीसी ने ये भी कहा है कि जो यूजीसी है वो अपने मंडे को क्वेश्चन को रेस करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जो यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम कैंसिल किए गए हैं दिल्ली और महाराष्ट्र के थ्रू कोविड-19 को देखते हुए, ये जो एग्जाम कैंसिल किए गए हैं ये अगेंस्ट द लॉ है, ये ऐसा नहीं करने चाहिए थे दिल्ली और महाराष्ट्र को। इसके खिलाफ यूजीसी जो है अपने जो क्वेश्चन है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करेगी, वो भी मंडे को। यूजीसी ने ये कहा है कि जो यूजीसी के जो रूल्स है, जो नियम है, वो बदले नहीं जा सकते, क्योंकि यूजीसी को ही हक है कि वो बच्चों को डिग्री दे उनके पास होने पर और उनको उस डिग्री से अवार्ड करे। लेकिन जो दिल्ली और महाराष्ट्र ने एग्जाम कैंसिल करे हैं उसके खिलाफ जो है क्वेश्चन रेस करेगी यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा नहीं करना था, और इसके खिलाफ आगे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। और भी कुछ बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि स्टूडेंट्स की डिग्री को रिलेटेड भी कहा गया था यूजीसी ने। यूजीसी ने कहा था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी केस की, कि ये जो एग्जाम्स जो कैंसिल करे गए हैं स्टेट्स के थ्रू, ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है, और स्टेट्स को भी अपने माइंड के हिसाब से, अपने मतलब दिमाग के हिसाब से कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है, ये यूजीसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो एग्जाम्स को कैंसिल करे या फिर एग्जाम्स को ले, वो यूजीसी के ऊपर। यूजीसी ने भी ये भी कहा कि अगर स्टेट्स ने एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं तो शायद ये भी माना जाएगा कि जो डिग्री जो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी वो इनवैलिड होगी, वैलिड नहीं होगी। ये बातें सारी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मैंने नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, इनके मैंने ऑफिशियल पेज से ये बातें ली हैं, सारी की सारी सुनवाई वहाँ पर एज इट इज आपको मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जितनी भी बातें ये कह रहे हैं ये यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहा था। ऐसे ही कुछ और भी बातें कही थी, जैसे कि यूजीसी ने ये कहा था कि हमने जो है फाइनल ईयर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 30 सितंबर तक का टाइम दिया था, लेकिन जो दिल्ली और महाराष्ट्र ने ये जो डिसीजन लिया है कैंसिल करने का फाइनल ईयर एग्जाम, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके खिलाफ हम फाइल दर्ज करेंगे और एक एफिडेविट भी दर्ज करेंगे जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली के खिलाफ कुछ सवाल होंगे, कुछ कंप्लेंट्स होंगी। तो यूजीसी ने इसके लिए कुछ समय मांगा है, कुछ टाइम मांगा है। टाइम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की डेट रखी है। अब 14 अगस्त को जो है इसकी अगली सुनवाई होगी, 14 अगस्त को पता चलेगा कि यूजीसी ने क्या कंप्लेंट्स रखे हैं, क्या क्वेश्चंस रखे हैं दिल्ली के खिलाफ और महाराष्ट्र के खिलाफ जो फाइनल ईयर एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एग्जाम्स जो है कैंसिल होने चाहिए या फिर एग्जाम्स होने चाहिए? आज की जो कोविड-19 का सिचुएशन को देखते हुए पैंडेमिक बहुत फैला हुआ है, आप भी देख रहे हैं दिल्ली में भी बहुत केसेस आ रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और पूरे इंडिया में लगभग बहुत ज्यादा ही केस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मुझे तो यह लगता है कि फाइनल एग्जाम जो है कराने ठीक नहीं है, उनके पिछले बेसिस पे ही उनको मार्क्स देने चाहिए और उनको डिग्री या फिर डिप्लोमा अवार्ड जो भी है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि चैनल पर आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी लाता रहूंगा और आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।